शिमला आने के बाद हमारा पहला काम होता है अपने लिए रूम ढूंढना, क्योंकि हमारे आलसी शरीर ने प्री बुकिंग तो की नहीं थी। कुछ देर रूम की तलाश करने के बाद हमें फाइनली ये रूम मिलता है जो कि ठीक ठाक ही था। कुछ देर आराम फरमाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्कूटी चलाई थी इतनी देर तक। आराम करने के बाद हम शिमला भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले पेट पूजा के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद हम मॉल रोड जाने का डिसाइड करते हैं। गूगल मैप से मॉल रोड का पता लेकर हम धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। स्कूल के बच्चों की रैली देखने के बाद फाइनली हम मॉल रोड पहुंच चुके थे। मॉल रोड के बाद अब हमारी अगली डेस्टिनेशन थी द रिज। तो द रिज पहुंचने के बाद इन घोड़ों ने मुझे बहुत आकर्षित किया, तो मैं भागकर घोड़े वाले भैया के पास पहुंची और उनसे इनके बारे में पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 100 रुपए में घोड़े की सवारी करवाते हैं द रिज के एक साइड से दूसरी साइड तक। तो घोड़ों के बारे में पूछताछ करने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ पर एक चर्च भी है। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं चर्च में नहीं गई थी। चर्च के लेफ्ट साइड में गांधी जी की एक प्रतिमा थी जिसके नीचे कुछ फाउंटेन्स अपना जल प्रदर्शन दिखा रहे थे। टाइम सूर्य देवता के साथ बिताने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इस मेले की तरफ, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य की कला को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था।
वापस आते वक्त हमें एक कम भीड़ वाला चर्च मिला जिसमें हमने जाने का फैसला लिया। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, ठंड भी उतनी बढ़ती जा रही थी, तो हमने सोचा कि अब रूम पर वापस जाने का वक्त आ गया है। अगली सुबह हमने प्लान बनाया था कि हम तारा देवी के टेंपल जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश हम वहां नहीं जा पाए और हमें जल्दी ही दिल्ली के लिए वापस निकलना पड़ गया। रास्ते में हम एक मैगी पॉइंट पर रुके थे जहां मेरी मुलाकात इन जनाब से हुई थी। और ये है कालका से शिमला तक चलने वाली टॉय ट्रेन। एक बार फिर से अपनी तशरीफ को 8 घंटे तक तकलीफ देने के बाद हमने हिमाचल प्रदेश को टाटा बाय बाय बोला और दिल्ली में एंट्री की। तो कुछ ऐसी थी हमारी शिमला की वनडे ट्रिप। तो आप कभी भी अगर शिमला आए तो अच्छे से टाइम निकाल कर आए, क्योंकि एक दिन में शिमला को एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल है। इसी नोट के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।